minash bismillahir rahmanir rahim we are going to start group accounts and having more than two companies so you will see when you have more than two companies then we have to decide which company is a parent company which company is a subsidiary and which is sub subsidiary or which is if there is any associates so we have to work out that which companies are let's see the group accounts first of all now let's see, A Limited acquired eighty percent of the equity share a capital of B Limited. So here it's clear that A is holding of B having a eighty percent share. And again, another important thing in this question is that uh, it was acquired on first July, not on the first of January, but in in the during the year. So that is another important thing. If it is during the year, then your profit will start. From this date onward, your sales will start, cost will start from this way onward. And 75% equity of C Limited several years ago. So A has 80% in B and C also, that is 75%. But so far, C is concerned, that is already in their books as a subsidiary. So, problem is B. Ke कि बी को हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है सी तो ऑलरेडी हो रही है क्योंकि पिछले सालों में उसके अकाउंट्स बने हुए हैं इस साल देखेंगे कि इसमें जो बी ऐड हुई है उससे क्या करें ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू सी लिमिटेड इन वॉयस एट टेन मिलियन इंक्लूडिंग ए मार्कअप ऑफ ट्वेंटी परसेंट मार्कअप का मतलब मैंने बहुत दफा समझाया कि ये है कॉस्ट प्लस तो ये कॉस्ट अगर सौ है तो मार्कअप पच्चीस सौ सेल प्राइस वन ट्वेंटी फाइव होगी तो इसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन देखें सेल्स के ऊपर तो ये ट्वेंटी परसेंट बनता है एंड गुड्स रिमेन इन सीज इन्वेंट्री एट ईयर एंड सी के पास ये चीज़ें अभी बिकी नहीं हैं ग्रुप के अंदर ही हैं इसलिए इसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बी लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ए अब इसमें देखें बी ने ए को बेची हैं एट ए फाइव मिलियन एंड इंक्लूड ए मार्कअप ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट अगेन द सेम मार्कअप है ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड ऑल दीज गु अकर्ड सेल्स अकर्ड एट आफ्टर द एक्विशन एंड हाफ ऑफ द गुड रिमेन इन एंट्री एट द ईयर एंड हम इसमें देखें कि हाफ ऑफ द गुड्स पूरी की पूरी नहीं इसमें जो प्रोफिट होगा उसका फिफ्टी परसेंट जो है वो अन रियलाइज होगा तो इसकी कैलकुलेशन को भी एडजस्ट करना होगा ना रिक्वायर्ड में सिंपली ए कंसॉलीडेटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट दिसंबर

अगले छः महीने ज़रूरी नहीं कि उतनी ही सेल्स हो लेकिन ये एज्यूम करना पड़ता है कि इवनली थ्रू आउट द ईयर अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तीनों की दी गई है ए बी सी रेवेन्यूज फिगर स्मॉल रखी हुई है बल्कि आप कह सकते हैं कि ये थाउजेंड या मिलियंस में है तो मैंने लिख दिया मिलियंस में है लेकिन आप इसको 200 और 240 और एक सौ बीस समझें कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की हुई है ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा डिटेल नहीं दी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपके सेलिंग एडमेंस सारे शामिल हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके बाद इनकम टैक्स और प्रॉफिट फॉर द ईयर अब आप नोट करें कि सम, इस सवाल में हमने वो जो पिछले सालों का प्रॉफिट है वो इसमें ऐड ऑन नहीं किया कुछ नहीं किया सिंपली इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने देखना है ना लेट सी दिस सोल्यूशन इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट वर्किंग मैंने साथ इस सर दे दी हुई है कि ए ने जो टू हंड्रेड थाउजेंड है इसमें जो सेल्स की है उसने टेन टेन मिलियन की वो उसमें से माइनस कर दी तो वन नाइन्टी सिमिलरली बी की सेल्स जो है वो टू फोर्टी है लेकिन हमने उसमें लेनी है हाफ वन और इसमें वो पाँच मिलियन का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो एडजस्ट किया सो वन सी में कोई चेंज नहीं सुपर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ कंसर्न क्योंकि आपने सेल माइनस की है फाइव तो इधर से आपको कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगी तो डबल एंट्री बनती है सेल्स को क्रेडिट करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डायरेक्टर माइनस डेबिट करते हैं तो इट्स वन सिक्सटी डिवाइड बाई टू अगेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हाफ ईयर की और फिफ्टी माइनस टेन उसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो टेन है तो दैट इज़ फोर्टी तो कॉस्ट आ गई और इस तरह अनरियलाइज प्रॉफिट फिगर देखें टू पॉइंट फाइव और उधर से आप देखें तो वो हमने टू पॉइंट फाइव इसका फिफ्टी परसेंट लिया और उधर टू और टू पॉइंट फाइव टोटल मिल गया टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट आपका टू पॉइंट फाइव ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिंपल है ए uh, के पूरे लेकिन बी के अगेन फिफ्टी परसेंट और सी के थर्टी टू एज इट इज़ इनकम टैक्स में भी देखें आप ए का पूरा टैक्स है लेकिन बी का जो है वो हाफ है और सी का पूरा है तो आपका ट्वेंटी थ्री और नेट प्रॉफिट आ गया अब इसमें होल्डिंग की वर्किंग और नॉन करेंट इंटरेस्ट की वर्किंग ये आगे मैंने डिटेल में भी की हुई है लेकिन यहाँ भी देखें आप होल्डिंग में फोटी परसेंट यानी इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ज़रा देखें ये फोर्टी इस फोर्टी का हमने लिया है बी का माइनस करके वो जो आपका है अनरियलाइज प्रॉफिट उसमें हमने थर्टी सेवन पॉइंट फाइव आ गया उसके बाद बी का प्रॉफिट लिया उसका भी हाफ लिया हमने इसी तरह सी का तो हमने स्ट्रेट अवे सेवेंटी फाइव परसेंट लिया नॉन कलोटिंग इंटरेस्ट में बी में आपका ट्वेंटी परसेंट है तो फोर्टी का ट्वेंटी परसेंट नहीं लिया बल्कि का हाफ किया ये एक ज़रूरी देखें इसमें देखना ये है कि हर स्टेज पर आपने ये देखना है कि आपने जुलाई में इस कंपनी को अक्वायर किया है तो आपने जुलाई से ऑनवर्ड देख लें और उसके बाद उसका तो थर्टी में थर्टी ही है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो आपका ये वर्किंग आ गया और इसका फ्लूशन में देखें जाकर सेल्स की फिगर वहीं से हमने ली है और कॉस्ट की फिगर भी वहीं से ली है और अनरियलाइज प्रॉफिट टू का और ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेवनटी सेवेंटी 77 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हंड्रेड इनकम टैक्स भी वहीं से और नेट प्रॉफिट भी और हेल्ड इन एलिमेटे एंड नॉन करंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड टू कंसॉलिडेट प्रॉफिट एंड ला अकाउंट तो बेसिकली आइडिया था इस क्वेश्चन में ये कि आपने ये देखना है कि कंपनी अगर हाफ वे थ्रू द ईयर मे भी छः महीने या नौ महीने की बात हो तो आपने उस प्रोपोर्शन से आपने उसके एक्सपेंस भी लेने उसी प्रोपोर्शन से आपने उसकी सेल्स भी लेनी है तो दैट्स हाउ इट शुड बी एडिड ऑन लेकिन इसमें कोशिश ये करें कि पहले का स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर लें कि स्ट्रक्चर क्या है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कंसल्टेसन में एक बात है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या बनता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिर दूसरी बात देखनी है कि आपने किस डेट को एक्वायर किया है और तीसरी बात ये भी देखनी है कि उस डेट को अगर वो पहले से कंपनी ऑबियसली चल रही हैं तो उस डेट को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या हैं और उसके बाद, बाद में बात आती है कि अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो कौन कौन सी हो सकती हैं हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली हैं और फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है एडजस्टमेंट्स की यू विल सी नंबर ऑफ़ एडजस्टमेंट्स तो थैंक यू वेरी मच यू विल सी फर्दर